अच्छा बच्चों, आज 1.4 नाइन्थ क्लास की मैथ टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। अच्छा, उससे कबल कि मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊं, पहले एक दो बातें आपको बता देता हूं कि हर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हुआ करता। कोई से भी दो मैट्रिक्स आपको जो गिवन होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। चंद मैट्रिक्स ऐसे होते जो मल्टीप्लाई नहीं होते। ऐसे कौन से मैट्रिक्स हैं जो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ऐसे कौन से हैं जो मल्टीप्लाई नहीं होते? आपको मैं दो चीजें बता देता हूं। जब भी दो मैट्रिक्स आपको दिए जाए, सपोज ए और बी आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं, दो मैट्रिक्स ए और बी, ठीक है, कहता है कि इनको मल्टीप्लाई करके दो। अब आपने सर्च ये करना है कि आया कि मल्टीप्लाई होते भी है या नहीं। तो ये आपने ये चीज देखी होती है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की रोज, पहले की कॉलम्स दूसरे की रोज, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो देन वो मल्टीप्लिकेशन के काबिल हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन उनकी नहीं हो सकती। आपको एग्जाम्पल देता हूं। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1, 3, 4, बी मैट्रिक्स है आपके पास 5, 6। कहता बताओ ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या कहना यूं चाहता है कि ए बी फाइंड आउट करते हो। व्हाट इज मीन ए बी? ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बताना है मुझे। ए बी आपस में मल्टीप्लाई करके दिखाओ। अब पहले आप ये चेक कर लें मल्टीप्लाई करने से कि आया तो मल्टीप्लाई होता भी है या नहीं होता, ठीक है। अब मैं चेक करता हूं। पहले मैंने सुन रखा है क्या मल्टीप्लीकेशन के लिए जरूरी होता है, पहली बात क्या, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक, ठीक हो गया, नंबर ऑफ रोज इसकी सेकंड की, सेकंड मैट्रिक, ठीक है, नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक, नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक। अगर ये दोनों इक्वल आती है तो मैं कहूंगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर नहीं आती तो मैं कहूंगा नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन। आए देखते हैं क्या। पहले मैं फर्स्ट मैट्रिक में मेरे पास ये हो गया, पहले देखिए ए लिखा हो तो पहले ये मेरे पास कॉलम, मैंने इसके कॉलम देख लेंगे 1, 2 कॉलम हो गए। अब इसकी सेकंड की क्या देखनी है, रोज, देखिए आप देख सकते हैं कॉलम्स भी 2 है रोज भी 2 है, देन मैं कहूंगा कि हां ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे कहता है ना इसका बी ए फाइंड आउट करके दो, इसका ए बी भी फाइंड आउट करो, बी भी फाइंड, ए बी बी ए भी फाइंड आउट करो, ए बी तो मुझे पता है हो गया मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, अब बी ए मैं फाइंड आउट करता हूं, यानी कि पहले बी का मैट्रिक्स फिर ए का मैट्रिक्स। अब बी अब फर्स्ट मैट्रिक हो गया, ये सेकंड मैट्रिक हो गया। अब फर्स्ट की मैंने क्या चेक करनी है, कॉलम चेक करना है, लो जी इसका एक कॉलम बनता है, एक कॉलम। अब बी ए मेरे पास जो है ना सेकंड मैट्रिक हो गया, अब सेकंड मैट्रिक की मैंने रो चेक करनी है, दो रो, इसका एक कॉलम है इसकी दो रोज बन गई है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं ना हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल, ठीक हो जाए। पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे जस्ट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपसे जस्ट यही पूछा गया है, ठीक है, कि आप ये बताएं कि कौन से मैट्रिक्स हैं जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कौन से मैट्रिक्स हैं जो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आपने कुछ नहीं करना, खासतौर पर पहले क्वेश्चन के अंदर तो आपने जस्ट उनको बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है कौन सा नहीं होता, जस्ट आपने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज, ठीक है, आप ये चेक करके बता देना है। अगर इक्वल होंगे तो आप कह देंगे कि हां जी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के काबिल है, अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन के काबिल वो मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आपके पास इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है 1.4 का सेकंड क्वेश्चन, उसके अंदर बस यही दिया गया है ए बी और बी ए फाइंड आउट करके। अब ए मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, थ्री माइनस वन जीरो टू, ये ए मैट्रिक्स हो गया,
उसके बाद बी मैट्रिक्स आपको की माना जी 6 5 ठीक है। उसने क्या कहा है, कहते हैं ए बी और बी ए फाइंड आउट करें अगर पॉसिबल है, यानी कि ए बी फाइंड आउट करो और बी ए फाइंड आउट करो, ठीक हो गया। ये चीज आपने फाइंड आउट होता करके देंगे ए बी और बी ए फाइंड आउट करके। पहले मैं ए बी की तरफ आता हूं, ए बी, ए बी क्या चीज है, ए बी पहले मैं चेक तो कर लूं कि मल्टीप्लिकेशन होती भी है या नहीं होती। मैं चेक करता हूं जी, ए बी पहले ए फर्स्ट मैट्रिक हो गया, ये सेकंड मैट्रिक हो गया। मैंने क्या सोच रखा था, फर्स्ट के मैट्रिक की क्या देखा करते हैं, फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक के रोज, ठीक है। फर्स्ट के कॉलम्स देखते हैं, सेकंड की रोज देखते हैं, ये दोनों इक्वल आया नहीं है। मैं देखता हूं फर्स्ट के पहले कॉलम देखो, 1 2 देख सकते हैं आप, दो कॉलम बने हैं, इसके क्या कॉलम बने, दो। अब इसकी रोज चेक करो, 1 2 इसकी रोज भी दो है, देखो इक्वल यहां पे इक्वल हो गया, इट सेट टू बी एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, पहले ऐसे लिखिए आप ए मैट्रिक है, मैट्रिक ए लिखिए 0 2 6 5, ठीक हो गया। ये दो मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिख दिए, ठीक है। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है। बेटा मल्टीप्लिकेशन का मेथड काफी डिफरेंट मेथड है, ठीक हो गया। मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होती है। और एक और बात ध्यान में रख लें, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता होता है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है, 2 नंबर का, और उसमें 2 नंबर जाया निकलेगा। आसान सी मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल है इसका, वो मैं स्टाइल आपको समझा रहा हूं, आप लोग गौर करना, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, हमेशा ही पहले आप ये रो है ये कॉलम है, इस रो का फर्स्ट और इस कॉलम का भी फर्स्ट, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18 ये मैट्रिक्स ड्रॉ करें, 3 6 18 प्लस का साइन, ठीक है। फिर इस फर्स्ट कॉलम के सेकंड मेंबर को, फर्स्ट रो के सेकंड मेंबर को फर्स्ट कॉलम के सेकंड मेंबर से मल्टीप्लाई करना, इसके साथ, ठीक हो गया। यानी कि 0 5 0, ठीक है। अब देखिए, अब फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड रो पे आ जाए, अब इस सेकंड रो का फर्स्ट इधर से ये फर्स्ट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस माइनस 6 1 6, प्लस का साइन 2 5 10। फर्दर आप देखें, अब इसको मजीद सॉल्व आउट करें, 18 प्लस 0 18 ही होता है, प्लस माइनस माइनस अब प्लस प्लस का 4 आंसर आ गया, तो ये आपके पास ए बी आ चुका है, ए बी इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन का मेथड था जो मैंने आपको समझाया है, जब रोज और कॉलम्स डिफरेंट होते हैं आपस में, ये उसका ये स्टाइल है। बट ये ध्यान में रख लें, मल्टीप्लिकेशन उसी सूरत में पॉसिबल होगी जब आप के फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, ये भी ध्यान में रहेगा, फर्स्ट मैट्रिक के कॉलम और सेकंड की रोज आपस में इक्वल होंगी तो मल्टीप्लिकेशन होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। अच्छा जी, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझा दिया, अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, बीए क्या कहता है, बीए पर फाइंड आउट करते हैं, बीए को मैं फाइंड आउट करता हूं, पहले मैं चेक आउट तो कर लूं कि आया कि ये पॉसिबल है भी सही या नहीं, तो बीए ये मेरे पास अब फर्स्ट हो गया और ये सेकंड मैट्रिक हो गया, इसके मैंने कॉलम चेक कर रहे हैं, कॉलम फर्स्ट के कॉलम चेक करूंगी, बी फर्स्ट है, इसके कॉलम कितने हो गए, देख सकते हैं आप 2 कॉलम्स हो गए, ठीक है, और सॉरी ये कॉलम 1 हो गया, 1 कॉलम हो गया। अच्छा, अब सेकंड मैट्रिक आपके पास ए है, इसकी क्या चेक करनी है आपने, रो सेकंड सेकंड मैट्रिक की रो, पर इसकी सेकंड मैट्रिक की रो 2 बन गई, और कॉलम कितने आ गए, 1, और रोज कितनी आ गई, 2, ये तो इक्वल ही नहीं हुए, सो इम्पॉसिबल, सो इट इज इम्पॉसिबल, ये मल्टीप्लिकेशन के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों, ये मल्टीप्लिकेशन के दो ही तो रूल है, ठीक है, क्या, पहले की रोज और दूसरे पहले के कॉलम्स दूसरे की रोज इक्वल होने चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर नहीं इक्वल होंगे तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। आपको मैंने करके भी दिखा दिया कि ए बी को आपने मल्टीप्लाई कैसे किया, और बी ए क्योंकि वो उसने रूल्स को फॉलो ही नहीं किया इसलिए वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता,
एक्सरसाइज 1.4 ए ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। इसके अंदर मजीद कोई कमी हो तो हमें कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी क्लियर करा दूंगा। मजीद अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको टाइम से मिल जाए और आप अपना नॉलेज इम्प्रूव करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।